गाइए। हाँ जय सच्चिदानंद। आ दुनिया मा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जो रे। आ दुनिया मा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जो रे। मन थी पण कोई जीवनु बूरु विचारे ना हो जो रे। श्यामा ने उपकार कबूती अहिंसक चिंतवन हो जो रे। आ दुनिया मा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जो रे। वाणी थी शीतल मधुरी बेलाड़े ते मोटो रे। लोको ने सुख आपे तेवा कार्यान्ते सुख जो शो रे। आ दुनिया मा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जो रे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने वेरी गुड पद, अच्छा गाया। ये पद क्यों आपने पसंद किया? क्योंकि जब हम पहले जोधपुर जाते थे ना, तब ये बिहारी दादा ये पद बहुत बार गाते थे, तो मुझे ये पद बहुत अच्छा लगा। ओके, इसमें से क्या आपको ग्रहण हो सकता इसमें यही कहा है कि दुनिया के सर्व जीवों को सुख और शांति हो ऐसी भावना है, और मन से भी हम किसी भी जीव का बुरा ना हो ऐसा विचार हमें नहीं आना चाहिए। है? ओके, वेरी गुड। मेरे शायद है, थोड़ा बातें करो खुशी दीदी के साथ ये पद के बारे में मोर। बोलने में थोड़ी गलती हो गई कि हमें ऐसा गलत विचार ही नहीं आए कि किसी को हमारे निमित्त से दुख हो। लेकिन बात एकदम सही है, हमारी भावना पूरी पॉजिटिव है कि दुनिया के सारे जीव सुख और शांति को प्राप्त करें। तो दुनिया के सारे जीव के भीतर हम भी आ गए कि नहीं आ गए? अंदर आ गए। तो सारे जगत के जीव मात्र सुख और शांति को पाए, उसे हमारे लिए अलग से मांगने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, कितना पक्का बनियापन है, खुद के लिए नहीं मांगते, मांगते दूसरों के लिए और खुद को भी फायदा हो जाता है। कितना अच्छा है। हमारी हाँ सोच कैसी है? सोच विशाल होनी चाहिए। देखो, विशालता के साथ है तो उसमें हमारा भी समावेश हो ही जाता है। ये स्वार्थी क्या बनेगा? तो स्वार्थी यह बनने का है सबको सुख और शांति मिले, तो उसमें हमें भी कमाई अवश्य हो ही जाएगी। यहाँ हमारे मन वचन का किस प्रकार से होना चाहिए वो सारी बातें बताई गई। हमारे मन में भी किसी के लिए नेगेटिव सोच नहीं हो, बुद्धि भी कैसी हो, तो सामने वाले व्यक्ति के लिए हितकारी उपकारी ऑब्लाइजिंग हो। तो हमारा चिंतन ठीक है, वायलेंस वाला नहीं, नॉन वायलेंस वाला होना चाहिए। वही सर, वाणी कैसी होनी चाहिए हमारी? ठीक है, जीव मात्र को शीतलता पहुंचाए ऐसी, वो शब्द सुन के उनको भीतर ठंडक होनी चाहिए। लेकिन जिसकी वाणी ऐसी है, इस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे, वो काफी बड़ा है। ठीक है, हाँ, हमें देखने का क्या है? देखो, डे एंड शाम होती है, रात होती है, तब तक हमने दिन में कितने लोगों को सुख दिया? हमारे मन वचन का हमने कितना दूसरों के लिए प्रयोग किया, तो देख लेने का है। बिजनेस का तो देखते कि नहीं देखते, आज हमें कितनी कमाई हुई, कितना टर्न ओवर हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सब निकाल देते कि नहीं निकालते? निकालते हैं। निकालते
वैसे ही यार हमें भी देख लेना चाहिए क्या 7 दिन में मैंने कितने लोगों को सुख दिया, कितने लोगों को दुख दिया, आज बैलेंस शीट मेरी प्रॉफिट में है कि लॉस में क्या है वो देखना चाहिए। तो ये रोज की रोज बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर बाद में आपको डिसाइडेड होगा, हम डिटरमिनेंस होगा, निश्चय होगा क्योंकि आज आज कमाई थोड़ी कम हुई है, कल मुझे ज्यादा कमाई करनी है। और दूसरा क्या है कि आपका गोल पक्का होता जाएगा कि मुझे और भी आगे बढ़ना है। दादा भगवान की दशा कैसी थी क्या बता उन्होंने कि जो भी मुझे मिला उसको अवश्य सुख मिलना ही चाहिए, नहीं तो ज्ञानी को मिला वही फायदा क्या हुआ, उसको सुख नहीं मिला था। बात कल में आती है हाँ। अभी हमने हमने कभी ऐसा सोचा है कि हमें जो भी मिले वो सभी को सुख मिलना ही चाहिए, हम तो उल्टा सोचते जो भी मिले सबसे हमें सुख मिलना चाहिए, सामने वाले का जो होना है वो, लेकिन मुझे सुख मिलना चाहिए। देखिए यार दादा भगवान की पूरी बात ही अलग थी, ठीक है, हमें ये बात समझने की है कि दादा भगवान की बात ऐसी क्यों थी कि जो मुझे मिले वो उसको सुख की अवश्य प्राप्ति होनी चाहिए, भीतर इतना सुख पड़ा था वो लोगों को सुख ही बांटते थे, इसकी दुकान में जो माल है वही बेचेंगे ना, दादा बेचते नहीं दादा फ्री में देते थे। बात ख्याल में आती है हाँ। मेरी दुकान में दुख का माल है तो मैं आपको कौन सा माल दूंगा, दुख का ही माल दूंगा, सुख दूंगा ही नहीं ना, मेरी दुकान में सुख का माल ही नहीं है तो कैसे दूंगा। यहाँ ये बात समझ रहे कि मेरी दुकान में सुख की दुकान मैंने खोली है तो मेरी दुकान में सुख का ही माल आएगा, दुख का माल आएगा ही, एंट्री नहीं होगी उसकी, तो मैं जो भी माल लेने के लिए आएगा उसको मैं सुख बांटूंगा कि नहीं बांटूंगा। हाँ बांटेंगे, लेकिन इससे दादा भगवान ने हमें सिखाया ना तो सुख की दुकान खोल दो, तो सुख की दुकान खोल दी तो सभी जीव को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमारे निवेश से, मिलेगा। दूसरी तरह से आपने सुख की दुकान खोली है तो आपका चिंतन हिंसक रहेगा कि अहिंसक हो जाएगा, सुख की दुकान खोली है आपने तो आपका चिंतन हिंसक रहेगा कि अहिंसक हो जाएगा, हिंसक अहिंसक हो जाएगा, अरे करना नहीं पड़ेगा वो परिणाम के रूप में हो जाएगा। दूसरी तरह से बोलते यहाँ हमें मेहनत नहीं है, यहाँ निश्चय कर लिया हमने पक्का और समझ में फिट हो गई बात तो परिणाम में आने की शुरुआत हो जाएगी, चारित्र में आने की शुरुआत हो जाएगी, तो हमें वही चाहिए ना, बराबर है ठीक है। किसी दीदी हाँ वेरी गुड हाँ ओके। तो कल का होमवर्क अभी वे कंटिन्यू करेगा ओके, अभी फैमिली में फोकस करो ओके, ओनली फैमिली के। जय सचिदानंद। Thank you.